मुझे जरूरत है तुम्हारी सुविधा। लेकिन उसकी मौत का गुनहगार सुनो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारू। तुम जा। आज के बाद हमारे दरमियान ये बात नहीं होगी। लाख कोशिश करने के बाद भी शामिर को कहीं पर सुकून नहीं मिलेगा। अपना लिबास फिर से तब्दील करके शाहाना ज़िंदगी छोड़कर फ़कीरी वाली ज़िंदगी में भी उसकी परेशानी बढ़ती रहेगी, इसलिए उसको ये समझ आएगा कि कहीं ना कहीं उससे गलती हो रही है और कुछ ना कुछ तो वो गलत कर रहा है। इसलिए एक बार फिर अपने वालिद के साथ मिलने के लिए जेल चला जाएगा, जहां उसका वालिद अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहेगा कि जितना मुजरिम मैं आपके नज़रों में बन चुका हूँ, इतना मैं नहीं हूँ। आपकी वालदा को मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन उसके कत्ल का ज़िम्मेदार मैं हूँ। दूसरी जानिब सलेमान साहब को भी मैंने कभी नहीं चाहा कि उसको कत्ल किया जाए, लेकिन उसका भी ज़िम्मेदार मैं।